राजधानी पंजाब से पंजाब के सेहत मंत्री बलबीर सिंह पहुंचे धूरी। उनके साथ ही मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी गुरप्रीत कौर भी साथ आए। जल्द ही धूरी के सरकारी अस्पताल अपग्रेड किया जाएगा। अस्पताल में डॉक्टर की कमी को जल्द पूरा किया जाएगा। डॉक्टर बलबीर का कहना है कि पंजाब सरकार पंजाब के लोगों को सेहत सहूलत प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है, जिसके तहत ही पंजाब के सेहत मंत्री बलबीर सिंह धूरी पहुंचे। धूरी के सरकारी अस्पतालों में दौरे के दौरान ही उन्होंने सारे अस्पताल का दौरा किया, चारों तरफ की बिल्डिंग और डॉक्टरों से बात की, सहूलत के बारे में भी बारीकी से जांच की। इस मामले में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि धूरी के अस्पताल की बारीकी से जांच की गई है और देखा गया है कि जहां पर मरीजों को समस्या आ रही है, जल्द से जल्द उसे दूर किया जाएगा। और ये भी देखा गया कि डॉक्टर की कमी जहां पर पाई गई है और डॉक्टर की कमी को भी दूर किया जाएगा। प्राइम डे के न्यूज चैनल के लिए जावेद आजम, धूरी पंजाब। मंत्री साहब ने अज दौरा किया है धूरी का हॉस्पिटल का, तो पूरा विश्वास दवाया उन्होंने भी सारे अजिहे कमियां पेशियां देखिया ने, तो समान भी भेजेंगे, सारा स्टाफ भी पूरा करेंगे। जोड़ा पहला बहुत देर बहुत सरकार ने मतलब टाइम लग गया उन्होंने जोड़ा भी यदा नुकसान होया साढ़े मानता का या समा बर्बाद होया, हूँ नहीं समा बर्बाद हो। तुसी पंजाब गऊ सेवा कमीशन के चेयरमैन जोड़ा सड़कों के आवारा गऊं फिर रही ने, उन्हों की देखभाल किस तरह की जाएगी? देखो उन्होंने वास्ते अभी प्रोग्राम बना रहे, बहुत जल्दी प्रोग्राम बनूगा, कोई छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। जो हम 100 या 50 या 200 गऊ अभी चक भी लें उस कुछ नहीं फर्क पैदा, असल में सिस्टम बना के सारा स्ट्रक्चर तैयार करके ही ये कदम चक्कर का फायदा है। बहुत बड़ा काम है, पूरे पंजाब का मसला हैगा। सड़क तो 1-1.5 लाख गऊ हैगी है, ये नहीं है भी मतलब 10-5 हज़ार गऊ है तो कोई मसला हल, जो अभी 1000-2000 गऊ फड़ भी लेने उन्होंने की होगा। सर की तुसी यह मसला जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पहुँचा दिता है? बिल्कुल पहुँचा दिता है, टाइम लगेगा, होगा सारा कुछ, बिल्कुल होगा, लगे हुए हैं। इतने स्टाफ की कमी होने कारण मतलब करोना वेले का ना वार्ड जोड़ा होंगे कि मरीजों दाखिल करने वाला वो बंद पे, स्टाफ की कमी तो डॉक्टर की कमी होने कारण सारा सिविल हस्पताल यानी कि OPD भी एमरजेंसी भी जोड़ा कोई एमरजेंसी पेशेंट उन्होंने रैफर कराया जाता है, पूरे कोई उन्होंने देखने का एडमिट करने का कोई प्रबंध नहीं है। असं यही पंजाब सरकार को बेनती करते हैं, अज मुख्यमंत्री के पात्री जी आए हैं, इन्हों यही बेनती करते हैं भी सिविल हस्पताल का ना पूरा गौर नाल जिन्ना स्टाफ है पूरा कराया जाए ता कि धूरी के लोगों को सहूलत मिल सके, क्योंकि इतने जो सिविल हस्पताल की एमरजेंसी है वो भी ना डॉक्टर पूरे नहीं, जिहड़ा पेशेंट आता है वह उरे इलाज नहीं होता, वो रैफर करना पड़ता है। वार्ड पिछले बहुत समय तो बंद पे है, ये बेनती है मैं खिलाया जाए तो सारा स्टाफ पूरा कराया जाए। अज धूरी सरकारी हस्पताल का अचानक दौरा किया, की मकसद की है? देखो ये साड़ा जोड़ा मकसद है, साढ़े जोड़े मान योग मुख्यमंत्री है सर भगवंत सिंह मान, उन्होंने जी मेरी ड्यूटी लगाई है कि जड़िया पंजाब के लोगों को आप विश्व पद्धरी सेहत सेवावान देनिया जड़िया कि उन्होंने वास्ते फ्री होनगियां, उसके विच प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर, टर्शरी केयर, जिवें प्राइमरी केयर के 500 मोहल्ला क्लीनिक उन्होंने खोले आ, उत्थे लोगों को बहुत अच्छी सुविधा जो कदे भी नहीं मिलती सी कि टेस्ट भी उत्थे होंदे आ, फ्री कंसल्टेशन और दवाइया सारिया मिलदियां, बाहरों पेशेंट को कुछ नहीं लैना पैंदा। इस तरह हुण साडी जिहड़ी दूजी कड़ी है सेकेंडरी केयर, वो साडे सब डिवीजन हॉस्पिटल्स आ, इहदे विच जिवें ये साडे मुख्यमंत्री साहब की होम कॉन्स्टिट्यूएंसी है, असीं इत्थों इहदी शुरुआत कर रहे हैं और पंजाब दे विच जिन्ने साडे पूरे सब डिवीजन हॉस्पिटल है 39 हैगे आ, इस तरह साडे जिहड़े डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो 23 है गया, वो सारा जो सेकेंडरी केयर च आते हैं, इस तरह साढ़े कम्यूनिटी हैल्थ सेंटर आते हैं, यारे असी जोड़े है इन्हों भी जिस तरह पिछले जे साडे मुख्यमंत्री साहब ने 271 स्पैशलिस्ट डॉक्टर रखे, अजय भी साढ़े को बहुत घट है, साढ़े को काफ़ी वैकेंसीज है, असं नॉर्दन इंडिया में दिल्ली तो बाद दूजे नंबर पर आ गए हैं, लेकिन अजय भी जोड़ा साडा है असी सारिया जिन्हिया सारिया वैकेंसीज भर के 650 के करीब है, सारिया स्पैशलिस्ट सर्विस जिमें इतने एनेस्थेटिस्ट नहीं है वो मैं रैशनलाइजेशन कर रहा है, इस तो बाद साड़ी टर्शरी केयर है जिस तरह मैडिकल कॉलेज हो गया, थोड़े इतने PGI का सेंटर है, कैंसर सेंटर है, इन सारिया के जी है मतलब साढ़े मुख्यमंत्री साहब का टीचा है कि आने वाले 1-2 साल के सारे टेस्ट हस्पताल छोड़ेंगे, सारिया दवाइया चाहे पेशेंट का 10 लाख का 15 लाख का पेशेंट होगा सारा कुछ पेशेंट लिए फ्री होगा। सो ये साढ़े मुख्यमंत्री साहब का सुपना है। पिछले 40 साल तो 50 बैडड ही है जी हॉस्पिटल, 20 तो 50 हूँ देखो CMCT बन गया जी, ये बैडड समर्था सर बढ़ा दी जाए वो भी बतावेंगे जी। पहली गल तो है भी जोड़ा थोड़ा 50 बैडड है कि उत्थे सारिया सहूलत मिलदी सी मरीज़ को, ठीक है जी, उत्थे दवाइया मिलदियां सी नहीं मिलदियां सी, उत्थे स्पैशलिस्ट सीगे नहीं सीगे, उत्थे मतलब इहनूं असीं एक गैप एनालिसिस कर रहे हैं सारे पंजाब का असीं कि कहड़े गैप हैगे अपने, बिल्डिंग की कितनी है, बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट है, स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, मेडिसिन की और जी इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो सारे जो डॉक्टर्स भी असीं बेस्ट पॉसीबल वर्किंग कंडीशन देनी है। सो ये साडा आने वाले दिनों के जी 6 महीने के सारी साडा जो मैंने मुख्यमंत्री साहब ने इमीजिएट टारगेट दिता कि सब तो पहला काम है कि सफाई होनी चाहिए आ,
स्टाफ की सेफ्टी होनी चाहिए और दवाई मिलनी चाहिए है। ये साडा 6 महीने का टारगेट है। बाकी जोड़े साढ़े होस्पिटल है वह बिल्कुल लाइक कारपोरेट होस्पिटल्स होना तो भी वधिया हो सहूलत हो उस तो वधिया सहूलत हो साडा आने वाले 1.5 साल का टारगेट है। तो असी साढ़े को सारे स्पैशलिस्ट हो क्योंकि जो डॉक्टर उन्होंने ट्रेन करने सूँ एक मैडिकल टीचर प्रोड्यूस करने 10 साल लगते हैं जी। एक स्पैशलिस्ट प्रोड्यूस करने घट्टो घट भी सूँ जो आफ्टर MBBS है वो 6 साल जोड़ा है जो ट्रेन स्पैशलिस्ट। सर धूरी सरकारी हस्पताल पिछले लंबे समय तो अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है जो कि किसी ने दान की बंद पई है ना इतने डॉक्टर है जिस कारण लोगों को भारी मुश्किल का सामना करना पैता है। इतों 15 किलोमीटर संगरूर जाना पैंता किसी गरीब बंद 5000 रुपया टैसटा भी देना पैदा कोई टैसट बारह नहीं होगा जी। सारिया मशीन इतने आनगियां इस वास्ते विजिट है साड़ी मैडम भी आया मेरे नाल असी सारे देख रहे हैं ये रेगूलरली उन्होंने कर रहे हैं इतने जोड़ा यदि फॉलोअप कर रहे हैं। सारिया मशीन आनगियां जी सारे स्पैशलिस्ट आएंगे इतने एनेस्थेटिस्ट नहीं है बेहोशी वाला डॉक्टर नहीं है मतलब ना सर्जन नहीं है तो ये जो गैप है मैं सारा कुछ यही देखना है भी कि कमी पेशी है सारिया पूरी करा इतने भी करा सिविल हॉस्पिटल संगरूर भी करा सुनाम भी करा सारे पंजाब करा सर जो दवाइया ने बहुत लो क्वालिटी दी जा रही सरकारी तौर पर पिछली गल करते हो गए जी असी जी टॉप जी जी सारिया मेडिसन आनी है पहले उन्होंने क्वालिटी चेक होंगी है जी फिर सप्लाई होंगी है यह सारी एक प्रोसैस है ये सारिया असी सारा प्रोसैस ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं। कोई भी दवाई जो सब स्टैंडर्ड होगी तो मैं तुम्हें दसना इदा वे गल ना करो कि आप फलानी दवाई आई है जी घटिया निकली है सर कुछ मेडिसिन प्रॉपर मिलती भी नहीं पर्ची तो लिखी जाती पर बाहरों लानी बंदे ने देखो ये सारा कुछ सानू लगेसी च मिले पहला हों तो मैं कह रहा भी सारा जिस तरह मोहल्ला क्लिनिक मिल दिया कि नहीं मिलती दसो तुम दसो मैं पत्रकार मिलती है ना जी टेस्ट होंगे है ना जी डॉक्टर आते हैं ना जी देखो वह जो जो मोहल्ला क्लिनिक 91 दवाइया की लिस्ट है 41 जो है वो टेस्ट होंगे इतने जो टेस्ट है वो बद के 120 हो जाएंगे जी और जो दवाइया है 180 हो जाएगियाँ जोड़ा टर्सी केयर हॉस्पिटल होगा उत्तर दुनिया की कोई दवाई नहीं होगी टर्सी केयर हॉस्पिटल नहीं मिलेगी ये सारे हॉस्पिटल के हिसाब न एक जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजरस और जो बाकी के प्रोटोकॉल है वह बनाए जा रहे हैं। यह पहली बार हो रहा है यह पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने किया कि आते सार नौकरियां भी मिल रही हैं स्पैशलिस्ट रखे जा रहे हैं एक प्रॉपर जो सिस्टमैटिक जो हेल्थ सिस्टम स्पैशल कमरा भी इस हॉस्पिटल नहीं अज तुम कुछ ऐलान करके जाओ एक भी स्पैशल रूम सर इस हॉस्पिटल नहीं CMCT का हॉस्पिटल है सर आले दुआले सारे हॉस्पिटल हाँ बाकी सारिया गल्ला थोड़िया मान ली जी स्पैशल कमरा कोई नहीं होगा जे हेल्थ मिनिस्टर भी बीमार हो जाएगा उसे मंजे होगा जितने मरीजों को पाना वही कर देंगे जी उस वही कर देंगे सारे एयर कंडीशन कर देंगे सेहत मंत्री भी उत्थे पैगा साढ़े मुख्यमंत्री साहब भी उत्थे पैणगे रब ना करे रब।